इंदौर में सुरजीत सिंह ने मेरे बिना बिना वजह राजू काम बंद कर दिया। ऐसा ऐसी स्थिति में पार्टी के ऊपर भी ठाकरे जी के चुनाव में इनके जितने भी वरिष्ठ हैं उनके चुनाव में काम किया मैंने 85 में मेरे को साथ ठाकरे जी ने कहा जा तुम दो नंबर चुनाव लो मेरे साहब अपनी स्थिति कुछ नहीं है मेरी जमा जब्त हो जाएगी मेरे को कौन वोट देगा बोले तुम्हें कह दिया कि जाकर तुम्हें चुनाव लड़ना है लड़ो। उस चुनाव में आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि मैं दो नंबर से मैं चुनाव लड़ रहा था सुमित्रा महाजन तीन नंबर से चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के लोग सुमित्रा महाजन को जनसंपर्क नहीं कर रहे करने दे रहे थे उसके कपड़े खींच रहे थे। सुमित्रा महाजन का टेलीफोन आया कि बड़े भैया देखो यहाँ बहुत जाती हो रही मैं अपना चुनाव छोड़ के सुमित्रा महाजन के साथ तीन दिन जनसंपर्क करा। तो मैं क्या बोलते किसी पद के लिए किसी सीट के लिए विधानसभा के लिए यही सवाल है मेरा कि आपने मतलब पार्टी के लिए इतना सब कुछ किया अपना भी त्याग किया सब कुछ किया उसके बाद अगर ये मिलता है तो फिर कहीं ऐसा विचार बनता है मन में आता है ये आपकी तपस्या की कीमत दी गई क्या ये माना जाए? नहीं जो सुदर्शन गुप्ता जी ने बोला है सुदर्शन गुप्ता है किस वर्ष के जवान सुदर्शन गुप्ता कहने वाला होता कौन है? और मैं आज फिर कहता हूँ मेरा लड़का चुनाव नहीं लड़ता होता वो अगर कभी ऐसे शब्द बोल देता तो मैं उसका हिसाब बराबर कर देता। क्या मानते हैं वो उन्होंने बोला है पार्टी से बड़े हो गए जो वो इतनी बड़ी बड़ी बड़े हो गए विधायक जरे विधायक ही बने ना इससे याद कुछ नहीं है। विधायक बनने के बाद क्या क्या जो उनको मोहल्लों जा रहे हैं तो लोग भगा रहे हैं उनकी ये उनने काम किया है और जी ऐसा लग रहा है कि उनको हार नजर आ रही इसलिए बौखला गए और खींच आपके ऊपर उतारी जा रही है इसमें तो हाँ इन्होंने ये और मेरे बच्चों को मेरे साथियों को मेरे मित्रों को मेरे परिवार के लोगों को आक्रोशित करके किसी न किसी इसी स्थिति को पैदा करना चाहते हैं कि मेरे जो नाराज होकर के उनके विरोध में कुछ करूं। ऐसी स्थिति में आप सुदर्शन का सहयोग करेंगे चुनाव में? सुदर्शन का इसमें सहयोग कैसे करूंगा अच्छा उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या इस पूरे मामले के बाद में इस तरीके से उन्होंने आप आरोप लगाए उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा क्या सुदर्शन गुप्ता भुगतना ही पड़ेगा। सुदर्शन गुप्ता ने एक नंबर में क्या मैं एक नंबर में चुनाव लड़ा बीजेपी को जनसंघ को जिताने के लिए आज 40 वर्षों से लगा और उसके बाद ये मौका आया कि यहाँ पे बीजेपी जीती है। दुर्भाग्य से मेरे लड़के को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। मैं मेरी अपवर्ड में स्थिति इसलिए बनी कि चुपचाप घर में बैठा हूँ। कौन जीतेगा सर एक नंबर से इस बार? जिसको जनता पसंद करेगी मैं ये किसी के बारे में घोषणा थोड़ी कर सकता पर मैं ये आपसे कहता हूँ कि जो अच्छे अच्छा व्यवहार रखेगा अच्छे बात करेगा अच्छे मदद करने के लिए लोगों को आश्वस्त करेगा कि मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करूँ और डिस्ट्रिक्ट चुनाव में जीतेगा।